दादा लेखराज, जिन्हें ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार के द्वारा ब्रह्मा बाबा कहा जाता है, उनका जीवन परिचय इस प्रकार है। लेखराज का पूरा नाम लेखराज कृपलानी था एवं उनका जन्म 15 दिसंबर 1876 में सिंध हैदराबाद में खूबचंद कृपलानी के घर में हुआ था। इनके पिता खूबचंद कृपलानी एक ग्रामीण पाठशाला के हेडमास्टर थे। लेखराज की मां का देहांत उनकी अल्प आयु में ही हो गया था। जब दादा लेखराज 20 साल के हो गए तभी पिता खूबचंद का भी देहांत हो गया, जिसके बाद लेखराज ने कुछ वर्ष अपने काका की अनाज की दुकान पर काम किए। बड़े होकर उन्होंने हीरे परखने की ज्वेलरी की कला सीखी और समय के साथ कलकत्ता के नामचीन हीरे के व्यापारी बन गए। उनका व्यापार मुंबई तक भी पहुंच गया। समाज में भी दादा लेखराज का बड़ा मान सम्मान था। वह लेखराज को लोग आदर से लखी दादा कहते थे। जब इनकी आयु 60 साल के करीब रही होगी, मतलब 1935-36 से ही दादा लेखराज को परमात्मा द्वारा साक्षात्कार होने लगे थे। उस समय उनको यह निश्चय नहीं था कि यह सब कौन कर रहा है। दैवीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज ने एक पाठशाला का आरंभ कर दिया और वहां आने वाले बच्चों को गीता के पाठ व आध्यात्मिक संस्करण सुनाने लगे थे। इस पाठ का आरंभ ही गीता के रचयिता श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकार परमात्मा शिव हैं की व्याख्या से हुआ था। इस मंडली को ओम मंडली के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उस मंडली में ओम शब्द का उच्चारण होता और आने वाले में से कई माताएं व बच्चे व बुजुर्ग ध्यान में चले जाते थे। फिर आगे चलकर यही ओम मंडली ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाने लगी। दादा लेखराज को 1949 में ब्रह्मा बाबा नाम दिया गया, क्योंकि परमपिता परमात्मा इन्हीं के तन में आकर बच्चों को एक जान दिया करते थे। ईश्वरीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज ने अपनी सारी ही संपत्ति कुछ समर्पित माताओं व कुमारियों की एक ट्रस्ट बनाकर उसमें दान दे दी। यह एक जान यज्ञ माताओं द्वारा संभाला जाने लगा और एक रूहानी यात्रा का आरंभ हुआ। जो समर्पित थे वे आकर कराची यानी पाकिस्तान में बस गए और 14 वर्ष स्व परिवर्तन हेतु तपस्या में बिता दिए। जब मम्मा 1965 में अव्यक्त हुई, मतलब जब 1965 में मम्मा का देहांत हो गया, तो बाबा पर यज्ञ की जिम्मेदारियां बढ़ गई। दूसरी तरफ नए नए सेवा केंद्र यानी सेंटर भी खुलने लगे। अनेक बच्चों के पत्र रोज बाबा के पास आते थे, जिनका उत्तर बाबा स्वयं समय मिलने पर देते थे। उनका एक भी पल व्यर्थ नहीं जाता था। ब्रह्मा बाबा का दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद भी बाबा हमेशा सभी से मिलते और हर एक बच्चे पर प्यार बरसाते। उनके प्यार और पालना को आज भी सभी वरिष्ठ बीके भाई बहन याद करते हैं। अंतिम दिनों में बाबा अपनी जिम्मेदारियों से भी न्यारे होने लगे। सभी दादियों में जिम्मेदारियां बांटकर बाबा ने अपना अंतिम वर्ष मधुबन में गहन तपस्या में बिताया। जनवरी 1969 में बाबा अपनी अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर इस साकारी दुनिया से न्यारा होकर अव्यक्त बन गए। ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों को फॉलो कर आज लाखों मनुष्य आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर जीवन जीने का आदर्श मार्ग अपना रही हैं। अर्थात अपने को आत्मा जान, ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय श्रीमत अनुसार स्वयं के और दूसरों के कल्याण अर्थ तत्पर हैं। और इस आध्यात्मिक मार्ग पर हमारा साथी है स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो हमारा अविनाशी रूहानी बाप, परम शिक्षक व सतगुरु है। अगर आपको दादा लेखराज का जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।